प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जगदलपुर दौरे से पहले सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अभी प्रधानमंत्री लगातार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और कल बिलासपुर आए थे और झूठ परोस कर वहां से निकल गए। धान खरीदी में छत्तीसगढ़ को 1,00,000 करोड़ देने की बात की, अब कहते हैं 1-1 दाना खरीदेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मैं धान का बोनस देना चाहता हूं और केंद्र सरकार मना करती है। रेलवे में राशि देने की बात करते हैं और 24 ट्रेनें बंद कर दी, किसी प्रदेश में इतनी ट्रेनें रद्द नहीं हुई। सीएम बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम सबको आवास देंगे, जबकि हमने आर्थिक सर्वेक्षण कराया तो 10,00,000 लोगों के पास आवास ही नहीं मिला। प्रधानमंत्री 3 तारीख को दोबारा आ रहे हैं, इसलिए उनसे मांग है कि वह आवास योजना की केंद्रांश राशि जारी करे। विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सब इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित है, आप सबको संबोधित करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री जी लगभग रोज आप सबको संबोधित करते हैं, लेकिन राजीव भवन में काफी लंबे समय बाद आज पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। मैं उनका स्वागत करता हूँ। प्रदेश कांग्रेस के युवा यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी वे भी आप सबको संबोधित करेंगे। हमारे साथ महिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय सांसद भोलो देवी नेताम जी हैं, उनका भी स्वागत। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री आदरणीय मंत्री सिंह गेहलू जी हैं, उनका भी स्वागत। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता भाई आर पी सिंह जी, वरिष्ठ प्रवक्ता भाई धनंजय ठाकुर, प्रवक्ता साथी अमित श्रीवास्तव जी, नितिन भंडारी जी, भाई अजय लंगवानी जी, आप सबका हार्दिक स्वागत। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध करूंगा कि वे सीधे आप सबको संबोधित करें। पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है। पिछले दिनों राहुल की योजना है 7,00,000 2011 सर्वे के साथ में 47,000 उसके बाद भी, और मैं कहना चाहता हूं कि जो हमने आर्थिक सर्वेक्षण कराया 10,00,000 जो कि भारत सरकार के 2021 में करा लेना, उसको भी मकान देने का काम है। प्रधानमंत्री जी 3 तारीख आ रहे हैं, उसके पहले हमने किस जारी किया की राशि को जारी करते हैं 7,00,000 को हम दीजिए राहुल जी के मुख्य जो बात है पहले मुझे 86,00,000 लिखने की बात उन्होंने कही थी और 61,00,000 हो गया। भारतीय जनता पार्टी के लिए कही थी 86,00,000 हो गया, अभी लिखित आगे से वो सही है। भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए फिर उन्होंने कहा है कि आप गाँव घोटाला होगा, एक साल के मिशन को बंद कर दिए, 30 साल बात करेंगे, इनको स्वीकार कर चुके हैं, उसकी कार्रवाई कर रहे थे। पीएससी के बारे में बोले, पीएससी के बारे में पहले भी सुना, आपको आदर समान हो मुझे दीजिए, मैं तुरंत कार्रवाई करूँगा। अब उसकी जांच कराएंगे लोग प्रधानमंत्री जीरो के मामले में भी उन्होंने कहा था 15 दिन के भीतर में जीरो गाड़ी की जांच हम कराएंगे, अगर जो अपराधी होगा तो किसी को तो सबसे पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री जी आए बस्तर और छत्तीसगढ़ के लोगों को आश्वस्त करे कि नगर नारे प्लान निजी हाथों में नहीं लीजिएगा, क्योंकि यहाँ की जो जमीन है इस जमीन को NDC को दिया गया है, न कि निजी व्यक्ति को दिया गया। दूसरी बात, NDC अब तक के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने का
वादा किया था वो नहीं खुले। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, एम्स खोलने की मांग कर रहे हैं। वो चीज है जो बस्तर के जनजीवन से जुड़ा हुआ है, वहाँ एम्स खोलेगा तो लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिले। और दूसरी बात है एनएमडीसी न भीजे, और तीसरी बात मैंने सुना सिग्नल ही दिया वहाँ से। मैं तो जो यहाँ से जबलपुर से जबलपुर और जबलपुर से दिल्ली, तो उसमें उनकी नई उड़ान है और नई उड़ान शुरू होना है। मैं मान सकता हूँ शुरू करें क्योंकि अभी सीधे आ रहे हैं, और राज्य सरकार की ओर से जो क्षतिपूर्ति योजना होता है एक करोड़ रुपये वो हम देने को तैयार हैं। तो आ रहे हैं तो फिर घोषणा करें संकल्प करें, ये जो जिम्मेदारी है योजना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का आप प्रधानमंत्री संकल्प करें।